ना सुबह से बिका है एक आलू, ना बिका है आधा कांदा। हमेशा की तरह अपने घर से शुरू होती है, लेकिन हर ट्रैवल के पहले जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है मुझे, वो है सुकून की नींद। और कल रात को जो सुकून की नींद आई है, जानिए कैसे आई है। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, Flow Mattress की तरफ से हमें दिवाली गिफ्ट आया हुआ था और हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैट्रेस ऐसे आएगा। मुझे लगा थोड़ा बड़े साइज में आएगा, बट थैंक यू सो मच Flow Mattress फॉर सेंडिंग दिस गिफ्ट। लेट्स अनबॉक्स इट। द मैट्रेस, ये है हमारा न्यू मैट्रेस और ये था हमारा ओल्ड मैट्रेस। ये हटेगा और ये आएगा। और बंदर, हमारा जो बेड है वो है 6x4 का। हमने हमारे बेड के साइज के हिसाब से मैट्रेस मंगाया था। ओके, ये अपने ओरिजिनल साइज में आ रहा है अभी। एक अजीब सी स्मेल है, फैक्ट्री स्मेल। ये मैट्रेस जब मुझे भेजा था तो क्षितिज ने मुझे बोला था कि ये मैट्रेस स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप बाइकर हो और जब आप इस पे सोओगे तो ये आपका स्पाइन का शेप ले लेता है। एंड मतलब जैसे भी आप लेफ्ट मुड़ोगे या फिर राइट में सोते हो, जैसे भी आप सोते हो, वो आपके बॉडी का शेप ले लेता है, जिससे ब्लड फ्लो चलते रहता है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल बाइकर्स के लिए। मैट्रेस के साथ आता है 100 नाइट ट्रायल। अगर आपको 100 नाइट में ये पसंद नहीं आया, आप रिटर्न कर सकते हो और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। अभी हमें सोना है और कल सुबह हमारा जो ट्रैवल प्लान है उसके लिए हमें निकलना है। 100 नाइट के बाद इसका जेन्युइन रिव्यू आएगा आपके पास। गुड नाइट। ऑलराइट, सो हमारे इस यात्रा के पहले यात्री विशाखा, विशाखा कुछ हाय हेलो ऐसा कुछ होता है। इसका हमने नामकरण कर दिया है, जो भी हमारे ब्लॉग में आता नामकरण हो जाता है। इसका नाम अंजलि है। नहीं, गौर से देखो, अंजलि वाला इसका पूरा। और दूसरे यात्री हमारे द रूड शब्बीर, बहुत रूड रहता है ये, बहुत रूड रहता है। इतना रूड क्या हुआ? देखिए, रुकावट के लिए खेद है। और यहाँ पर ये देखो, मतलब जिस सब्सक्राइबर हो, नाइस टू मीट यू मैन। नाइस टू मीट यू सर टू। कहाँ पे? बस जहाँ रास्ता ले चले। क्या बात है, आप मचा रहे हो पूरे। आप तो गजब ढा रहे हैं। चलो चलो, सेफ जर्नी। तो हम ये कह रहे थे कि जिस व्यू के सारे मजे हैं ब्लॉक कर दिए। पता नहीं कबूतर ने क्या खा के यहाँ पर टट्टी किया हुआ, जा ही नहीं रहा। इतना इसने वाइपर मार दिया, फिर से मार रहे वाइपर सबूत के तौर पे, जा ही नहीं रहे। बट इसका इलाज हमारे पास है। अंजलि के नाखून बड़े हैं इसीलिए अंजलि अभी इसको निकाले। अंजलि बहुत छोटे हैं, देखो कमाल दिखाओ अभी तुमको, कमाल दिखाते हैं। ये गाड़ी रुका मैडम, तुम्हारे नाखून मिलेंगे क्या? ब्रो ये असलियत है, सच्चाई है। शब्बीर मुझे बोलता है कि क्या क्या दिखा रहा है। दिस इज द सच्चाई, और सच्चाई मेरे ब्लॉग में दिखती है। है कि नहीं? सत्य फोन बजा। सत्य सत्या, तेरा नाम ले दिए रे, तेरा टोपी दे ही नहीं रही है। थैंक यू यार। क्या नाम है आपका? रवि। देखो मैं ऐसे काम करवाते रहता हूँ लोगों से। ओके, सो अभी टाइम का खुलासा भी कर देते हैं। 1:17 और स्वास्तिक ढाबा खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर। बहुत भूख लग रही थी, सुबह कुछ नहीं खाए, बस ऐसे आ गए। लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, हम गला भरने तक खाते हैं। वैसे हमने चिकन ड्राई फ्रूट ऑर्डर किया था यहाँ पर मैडम के लिए, बेबी कॉर्न, शाकाहारी हैं। शुरुआत में चना, एक मसाला पापड़, एक राइस पापड़ और सैलेड। सैलेड डाइटिंग पे ना आपका भाई आज। आइडेक्स मलो और ड्राइव पे चलो।
ठीक है। और राइट, सो अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन का नाम है भंडारदारा, भंडारदारा मार्केट में हम लोग, और पीछे शब्बीर हमारे चिकन ले रहे हैं क्योंकि हमें आज शाम को बारबेक्यू चिकन करना है। और हमारे सुरेश भाई बोल रहे थे कि फ़िशिंग भी कर सकते हैं अगर फ़िशिंग का मौका मिला। वैसे अभी 5 बज रहा है, मौका मिला तो करेंगे, अदरवाइज़ रब रखा। टेंशन क्या ले रहे हो आप? शब्बीर थोड़ा ऑडियंस को बताओ कि कितने किलो चिकन आपने लिए हैं। हमने लिया ये सर कितना, 1 किलो चिकन ना, 1 किलो चिकन लिया अपन 180 रुपये का। मैं तेरे से पूछ रहा, तो उनसे पूछ रहा है। हाँ हो गया ना पेमेंट, चलो कितना, 1 किलो? हमने 1 किलो चिकन लिए हैं सर, मसाला बाबी को करेंगे, मस्त मसाला डाल के एकदम खेलेंगे। अरे विशाखा बोलो, किधर है तू? एक और बात रुकावट के लिए फिर से खेद है, ये जो हमारी राम प्यारी है ना, इसका बैटरी बिल्कुल डेड हो चुका है। अब ये गाड़ी जो है हमने चालू करके यहाँ पर 10 मिनट से हमारे काका का वेट कर रहा है, काका आ ही नहीं रहे। शाम होने को है, प्लान जो किया था क्या से क्या हो गया। यहाँ पर चेहरे मुरझाए हुए हैं, शक्ल ही दिखा देते ना। अंजलि क्या हो गया? 60 साल। बाबू तुम्हारा क्या हाल है? हम तो एकदम टकाटक है भैया, गाड़ी गर्म हो रही है। जब भी हम कोई ट्रिप पे निकलते हैं एडवेंचर अपने आप हो जाता है। थैंक यू। अरे अंकल जी कब आओगे? फाइनली हम लोग अपने कैंपिंग वाली जगह में पहुंच गए। काका क्या काका? कितनी उशर केला। तो सुरेश भाई कहाँ पर करेंगे हम? उधर लगेंगे। उधर? हाँ। वो जो बीच में पास दिख रहा है? हाँ। ये वाले पे बीच में ना, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने यार। थोड़ा जल्दी होता तो कितना अच्छा होता, मजा आ जाता। क्या लोकेशन है यार, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो थोड़ा ऊपर हम लोग ने लगाया था, ऐसा लेक साइड में नहीं था। ऑफ चाय बनाते वहाँ पर, सनसेट बड़ा खूबसूरत नजारा, यहाँ पर स्त्री वहाँ पर पुरुष चाय बनाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ पर अपने एकनाथ भाऊ, थैंक यू भाऊ, इतना हेल्प किया तुमने यार, वाह मजा आ गया। क्या बोलती लड़की, क्या तेरे मन में क्या थॉट, क्या तो क्या करती रहती है, मेरे को बता तो सही। थॉट नहीं चल रहा है अभी, ये व्यू देख के कितना मस्त लग रहा है। चाय तैयार है, चाय तैयार है। चाय बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्या बात है शब्बीर, हैप्पी ब्रो, हैप्पी, हैप्पी गर्ल, वेरी हैप्पी, हैप्पी स्त्री, अंजलि खुश है आज, बहुत ज्यादा खुश है। ये जो गैस है ये शब्बीर लेके आया था, ऑल थैंक्स टू शब्बीर। ये हमने गोवा वाले ट्रिप में कैरी किया था ब्रो, याद है ना तेरे को? बिल्कुल याद है, लेकिन हमने यूज नहीं किया इसको। इसको बॉर्नविटा चाहिए, इसको चाय चाहिए? अपने को चाय, बॉर्नविटा। मुस्कान की चमकान तो देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे नुसरत, हमारे शेफ सॉल्ट बे, हमारे शब्बीर मोहम्मद ने हमारे लिए चाय बनाया। तुम्हारे लिए क्या बनाया था? बॉर्नविटा। चाय में चाय पत्ती ऐसे डालता है। चाय बहुत ही खूब बनाई है। खुला आसमान, दो लाइट, दो दोस्त, समंदर नहीं है, लेक, पानी के पास, पानी के पास, और हम चाय पी रहे हैं बियर की ग्लास में। चीयर्स। ठंड बढ़ गई है इसलिए हमने चेंज कर लिया। अग्निदेव बारबेक्यू जैम विद शब्बीर, विशाखा, अंजलि, अंजलि एंड मेरा असली नाम इनको अंजलि लगेगा। दोस्त पानी दूर है, वहां पर हाथ धोने के लिए दूर जाना पड़ेगा, इसीलिए आज नो प्यार, ठीक है? फिर भी तुमको टच कर देना, ठीक है? ओके ओके। बढ़िया बना,
मीठी मेहनत के बाद, मतलब मशक्कत नहीं कह सकते, मज़ा आ रहा था काम करने में, और मज़े वाले काम के बाद हम तंगड़ी। इसने तो लोग रुकते नहीं है ब्लॉग के लिए, मेरे को रुकना पड़ता ना आप लोग के लिए। ओ मज़ा आ गया। कभी ऐसे आओ भंडार दादा तो जानो, कभी ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के बारबेक्यू बनाओ तो जानो, ऐसे ठंड में तो जानो, और ऐसे चिकन खाओ तो जानो। ये हमारा आज का डिनर, भाजी दाल चिकन करी रोटी और इसमें चावल, मज्जा नहीं लाइफ। अचार भूल गया अचार को तो। ये जब खाने में आता है तो खाने का स्वाद और स्वादिष्ट हो जाता है। करके तो देखो ऐसे तो जाने। मैंने एक चीज नोटिस किया, जब भी मैं कैमरे में बात करता ना ये बहुत रूड हो जाता है। ऑलराइट, सो अभी 1 बज रहे हैं और मैं बाहर लेटा हुआ था आधे घंटे तक, आसमान की तरफ देख रहा था सिर्फ तार। ये मेन रीज़न था यहाँ पर आने का। कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भंडारदरा। आपने इस जगह को कल शाम को देखा था, आज सुबह देखिए कैसा दिखता है। ये मैं अपने टेंट में रुका हूँ, जैसे हम टेंट से बाहर जाते हैं बूम। ओ सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी उठे थे हम लोग 6 बजे, 6 बजे उठ के नज़ारा देखे हैं। ठंडी के बारे में बता कैसी थी? ठंडी इंजॉय करने वाली ठंडी है, पता नहीं तो क्यों ठंड लग रही है, आई डोंट नो। बहुत ठंडी थी। लोग लद्दाख जाकर आ जाते हैं और उनको यहाँ पर ठंड लगती है, क्या बोल रहे। नाक बंद है अभी। अब ये जो काम है ना, ये सुबह सुबह की पहली ज़रूरत है। नहीं कुछ गलत मत समझना, ब्रश कर रहे। ठंडा ठंडा क्या लग रहे हैं जी मैडम? अरे हम काफ़ी थे तो वे कल रात को मैं देसी तरीके से मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आधे 1 घंटे तक एक भी मछली हाथ में नहीं आई। अभी तो चश्मा निकालना पड़ेगा ना। देखो दांत सुंदर लगे उसका इंतजाम हो गया, अभी मुखड़ा सुंदर लगे उसके लिए फेस वॉश भी जरूरी है। चाय बना रही है हमारे लिए, ब्लैक चाय। नुसरत भाई ये ब्रो, थैंक यू ब्रो। ऑलराइट ब्रो, तशन डाला था कि नहीं इसके अंदर? एकदम बिल्कुल है, मैं इसके के तशन। चल थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ भंडारदरा की कहानी ख़त्म। अभी हम सुरेश काका के घर पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और बम्बई को रवाना। यहाँ पर शाम को और सुबह ही अच्छा लगता है, दोपहर जैसे होती है। देखो अभी अभी 9 बजने वाला होगा मेरे दोस्त, और हालत ख़राब हो गई है। थैंक यू। ये है हमारे सुरेश भाई, अगर आपको भंडारदरा आना हो तो सुरेश भाई है, ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोटिंग करना हो, कैंपिंग करना हो, यहाँ पर कोई भी और एक्टिविटी होती है, फिशिंग भी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हम लेट हो गए, सब हो जाएगा, आपको इनको कॉन्टैक्ट करना है। सुरेश भाई करता धरता यहाँ के, आना मेरा नाम जरूर बोला था, मेरे नाम से डिस्काउंट तो मिलेगा ना? मिलेगा ना डिस्काउंट। ठीक है, अभी ट्राई कर रहा, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हमारे बल्ले बल्ले। नहीं मशक्कतें बहुत हैं हमारी लाइफ में, इसको धक्का मार के घर तक पहुंचाना कैसे भी करके, अगर ये चालू हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो हमारे साथ सुरेश भाई हेल्प करने के लिए। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ लिटरली। पर दिखा तो ना ऊपर से नीचे तक, जूता जापानी, पतलून इंग्लिशानी, सर पे टोपी, चश्मा, दिल है हिंदुस्तानी। अरे अंकल जी कब आओगे? आलू ले लो। शीट डे पे हो तो तू चलेगा, कुछ कितना भी चक्कर डाल चलेगा अपने। एक बात और, ए चुप रहो रे, व्हेन एमएसके इज व्लॉगिंग नो टॉकिंग, ओके? मजाक कर रहा था। आएगी नहीं बिड़ू, ए बिड़ू, बिड़ू बिड़ू बिड़ू, 5 का 2, 5 का 2, 5 का 2, ए।